दुनिया के जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी लगातार विवादों में बने हुए हैं। गौतम अडानी के सुर्खियों में रहने की वजह हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है, जिसमें गौतम अडानी पर कई आरोप लगाए गए हैं। इसके साथ ही अडानी ग्रुप के शेयरों में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। अडानी दुनिया के टॉप 20 की लिस्ट से बाहर हो गए हैं। वो केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सुर्खियों का विषय बने हुए हैं। दरअसल हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर अकाउंटिंग फ्रॉड समेत कई आरोप लगाए हैं। हालांकि अडानी ग्रुप ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद ग्रुप के शेयरों की हालत बिगड़ती ही जा रही है। आपको बता दें, अडानी ग्रुप हाल ही में अडानी एंटरप्राइजेस का 20,000 करोड़ रुपए का FPO लेकर आया था। हालांकि इस FPO के दौरान हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आ गई, जिसके बाद अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस में भारी गिरावट देखने को मिली। अडानी एंटरप्राइजेस का FPO पूरी तरह से सब्सक्राइब हो चुका था, लेकिन इसके बाद भी अडानी ग्रुप ने अडानी एंटरप्राइजेस का FPO वापस ले लिया। बता दें, गौतम अडानी 24 जनवरी तक दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी थे, लेकिन पिछले एक हफ्ते में उनकी कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन में भारी गिरावट आ गई। इसके साथ ही गौतम अडानी की संपत्ति पिछले सप्ताह 35 बिलियन तक कम हो गई है। जानकारी के मुताबिक अडानी ने पिछले साल फरवरी में भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया था और एशिया के सबसे अमीर और दुनिया के 10वें नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति बने थे। इसके साथ ही सितंबर में 155 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ गौतम अडानी दुनिया के दूसरे सबसे और अमीर व्यक्ति के पायदान पर पहुंचे थे। लेकिन इस साल जनवरी के आखिरी में आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने उन्हें जोरदार झटका दे दिया। अब आपको बताते हैं कि आखिर कितने कर्ज में डूबे हैं गौतम अडानी। अडानी समूह पर कुल 2,00,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। बीते 3 साल में ही अडानी समूह पर कर्जे की रकम दुगनी हो गई है। कुल कर्जे में भारतीय बैंकों की हिस्सेदारी 40% से भी कम यानी 80,000 करोड़ है। इसमें भी प्राइवेट बैंकों से लिया गया कर्ज का प्रतिशत 10% से भी कम है।